जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है, जब मुद्दा बड़ा होता है तो बात बड़ी बहस की होती है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। वो वक्त था जब पहली बार ज्ञानवापी को लेकर 1991 में कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वाराणसी के साधु संतों ने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करके वहां पूजा करने की मांग की, लेकिन मस्जिद की प्रबंध समिति ने इसका विरोध किया और दावा किया कि यह उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है। हालांकि 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो सिविल कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी और फिर इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। 2021 में फिर हाई कोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल में मामला दोबारा खुला और मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी और अंततः ज्ञानवापी परिसर समेत पूरे मस्जिद का सर्वे हुआ और 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में फाइल की गई। वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर उस इलाके को सील करने का आदेश दे दिया जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था, वहां नमाज पर भी रोक लगा दी गई। कोर्ट में ज्ञानवापी पर तारीख पर तारीख जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इस मामले पर आए दिन बयानबाजी का दौर भी जारी है। आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा ज्ञानवापी को लेकर ही होने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोग आज के समय में ज्ञानवापी को दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ और आदि शंकराचार्य का उदाहरण देते हुए ज्ञानवापी को साक्षात स्वरूप विश्वनाथ बताया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर ज्ञानवापी पर बड़ी बहस शुरू हो गई है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे क्या हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, जबकि मुस्लिम पक्ष का अलग दावा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर नहीं है, ज्ञानवापी पहले से ही मस्जिद है, यानी कि दोनों पक्षों के दावे एकदम विपरीत हैं। उधर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावे अपने अपने हैं, लेकिन हकीकत क्या है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दरअसल ज्ञानवापी के इतिहास की बात करें, इतिहास को अगर हम देखें तो सबसे पहले 1585 ईस्वी में नए मंदिर की टोडरमल और नारायण भट्ट ने स्थापित इसको किया, जिसे 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने तोड़ दिया और 1669 ईस्वी में मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद बनी। इसके बाद 1780 ईस्वी में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया। एएसआई सर्वे में भी हिंदू प्रतीकों के 250 अवशेष मिले हैं, जिससे यह कहीं ना कहीं साबित होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। यानी जो एएसआई का सर्वे और इस सर्वे में जो चीजें सामने आई हैं उससे मंदिर नजर आता है। तो ये है बड़ी बहस के सवाल। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आप का ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने कोई बहुत चकते एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान बापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं।
तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता, कभी गुलाम नहीं होता। भारत की संत परंपरा ने कभी भी इस बात को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमेशा समरस समाज पर जोर देने का प्रयास किया। दूसरे संत रामानंद जी के बारे में आप देखें, रामानंद जी ने भारत की उपासना विधि की एक विशिष्ट पद्धति को आगे बढ़ाया, लेकिन इस विशिष्ट पद्धति के साथ साथ उन्होंने कहीं छुआछूत और अस्पृश्यता को कभी महत्व नहीं दिया, कभी भी उसको महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी इस पर जोर दिया और वह जोर था उनका भी उस समय के समाज को जोड़ने के लिए। एक तरफ रविदास उनके शिष्य बनते हैं, दूसरी तरफ कबीरदास उनके शिष्य बनते हैं। तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, अब आपको सुनवाते हैं कि संत महंत के साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। काशी ज्ञानवापी को लेकर के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया बयान अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि जो वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर है उसको महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1771 में बनवाया था। उसके पूर्व काशी ज्ञानवापी का जो मंदिर है औरंगजेब के द्वारा 1669 में तोड़ा गया था, और मूल में ज्ञानवापी का विश्वनाथ मंदिर जिसके शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए, आज भी वह शिवलिंग वहां विराजित है। आज भी कोर्ट के अंदर हम इसको भारतीय संविधान के दायरे में लड़ रहे हैं, परंतु इस सत्य को जब एक सत्ताधीश स्वीकार करता है तो संतों को बहुत ही प्रसन्नता होती है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वही ज्ञान बापी को मस्जिद कह रहे हैं। ये सीधे साक्षात विश्वनाथ है और ये काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इस पर जिस प्रकार से लोग राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, कट्टरपंथी टाइप के लोग, इस्लामिक विचारधारा के लोग कि नहीं ये तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भाई कैसा बोलना चाहिए, कहना चाहिए को मस्जिद है क्या? ज्ञान बापी वो मंदिर वेद पुराण शास्त्र उपनिषद का रहा है, उसके बाद अंधा व्यक्ति भी अगर उस मंदिर पर हाथ रखेगा तो सनातन के सारे प्रतीक बने हुए हैं। तो वो मंदिर है, मस्जिद कहाँ से? इसके नाते योगी जी ने सही कहा है और हम लोग लगातार कह रहे हैं को मंदिर है मस्जिद नहीं। जो मस्जिद कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति उसको मस्जिद कहते हैं। ज्ञानवापी प्रकरण पे योगी आदित्यनाथ जी का बयान कि ज्ञानवापी लोग गलती से कहते हैं, वह मूल स्थान तो आदि विशेश्वर का ही है और यह मामला हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और काशी में हमारे मित्रगण, हमारे साथीगण इस विषय पर बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किए जा रहे हैं। सब प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि ये ज्ञानवापी का जो प्रसंग है इसको जिस तरह से नैरेटिव सेट करके झुठलाया जा रहा था उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम क्लियर कर दिया कि यह आदि विशेश्वर का ही स्थान है। इस नाते मेरा मानना है कि इस बयान से सारे पक्षों को बहुत ताकत मिली है, बड़ा संबल मिला हुआ है और हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन हैं। हरिशंकर जैन जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। दीपक सोनकर हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। दीपक सोनकर जी, आपका स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर इंजीनियर आरिफ अली हैं,
अली आरिफ हैं हमारे साथ। अली आरिफ जी आपका स्वागत है हमारे साथ। हिंदू धर्मगुरु साध्वी गीतांबा माँ हैं। गीतांबा माँ आपका स्वागत है। गीतांबा माँ शुरुआत आपके साथ ही मैं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान काशी को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर, खुद विश्वनाथ हैं, ज्ञानवापी नाम सही नहीं, तमाम सारे जिक्र चर्चाएं इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का ये जो बयान, कैसे इस बयान को आप देख रहे हैं गीतांबा माँ? बहुत ही अच्छा बयान है और सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य को उन्होंने बोला है। आज तक कोई भी राजनेता सच के सामने नहीं आते हैं और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम सच बोला है, बिल्कुल सच बोला है कि वो हमारा मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और नाना प्रकार की जो भ्रांतियां ये लोग फैला रहे हैं, तो एक तो कहावत है कि गाला बजाना है, ये सब गाल बजाते हैं और गाल बजा करके देखो क्या करते हैं। जैन साहब हमारे वकील है ही हैं और ये बहुत अच्छे तरह से हम लोगों का न्याय पक्ष रखेंगे और हमारा मंदिर है तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहाँ स्वयंभू सरकार भगवान शिव बैठे हैं तो बैठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से ये लोग मिल करके पूरी पार्टियां और सब मिल करके गाल बजा रहे हैं, ये बजाते ही रहेंगे, इनकी आदत है बजाने की। और सत्य का विजय होगा, इसलिए कि हमारे पास सबूत है, गवाह है, सब कुछ है, तो हमारा मंदिर है ही है। और जैन पिता पुत्र दोनों भगवान उनको लंबी उम्र दे, जिस तरह से हमारे सनातन धर्म के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। योगी जी को बार बार नमन भी है कि इस तरह से उन्होंने जो बयान दिया, एक सच्चाई का बयान दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, अली आरिफ साहब कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के इस बयान को आप? योगी जी का बयान तो बयान है, जैसा कि उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो मैं तमाम अमन पसंद भारतीयों, शहरियों और इंडोनेशिया की तरफ से ये कहना चाहूंगा, अगर उसको मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, अगर उसको मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, तो आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का सीएम कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बात, क्योंकि मामला ऐसा है ना, आपके अंदर जो एक कीड़ा भरा हुआ है ना, बिना मंदिर का आप लोगों का ठिकाना लगता नहीं है। हर मंदिरों में आप जाते हैं, हर मंदिरों में कब्जा करते हैं, हर मंदिरों में आप तनाव पैदा करते। ठीक है गीतांबा माँ, एक बार ठीक है, एक बार सुन लेते हैं पूरा रिएक्शन सुन लेते हैं आप दोनों को। मैं सुन रहा हूँ, फिर हरिशंकर जी के पास जाऊंगा, कानूनी पहलू भी इसका हम समझेंगे। ठीक है प्लीज गीतांबा, पहला रिएक्शन हो जाए, पहला राउंड हो जाए, फिर इंटरप्ट पहले नहीं प्लीज। ठीक है मोहतरमा, सही बोल नहीं, इन्हीं को सुनते रहिए ज्यादा बेहतर होगा, हम लोग तो गलत बोलने के। अरे सर आइए मुद्दे पर आइए, फटाफट मुद्दे पे ही तो बोल रहे थे भाई, आइए आइए मुद्दे पर आइए। पत्नी की आदत है, फितरत है, भूल गए बेचारे, भूल तो आप गए हैं अपना माजी। आइए अली आरिफ साहब प्लीज, पर्सनल नहीं सर, प्लीज आइए मुद्दे पर आइए। सर मैं पर्सनल नहीं होता कभी, मैं हमेशा। अब आइए सर मुद्दे पर आइए ना, आप क्यों समय खराब करें, आप मुद्दे पर आइए सीधा। जी जी मुद्दे पे लीजिए, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आजाद भारत में, इसी समय आजादी भी याद आती है, जरूरी आजाद भारत को आजाद रखने के लिए आजाद अदलिया, आजाद मीडिया और मजबूत विपक्ष, इन चीजों के जब होगा तभी यहाँ पर इंसाफ होगा, और इंसाफ से ही देश चलता है, रूल ऑफ लॉ से ही देश चलता है, भेड़ों की भीड़ से देश नहीं चलता है। अभी जिस तरह से कुछ दिन पहले एक फैसला आया है बुलडोजर पर, जस्टिस बी आर गवैया ने जो हिम्मत दिखाई है, जिस अंदाज में उन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई को इनवैलिड, गैर कानूनी करार दिया है, इसी तरह से जब तक अदलिया ना इंसाफी के खिलाफ व्यक्ति नहीं खड़ी होगी, तब तक इस देश में अमन चैन सुकून नहीं होना। ठीक है सर, ठीक है इस बात की। ठीक है चलिए, अब अगले राउंड में आपके पास मैं आ रहा हूं। हरिशंकर जैन जी, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया है सर, मैं समझना चाह रहा हूं दर्शकों के लिए बड़ी आसान भाषा में कानूनी पहलू क्या कहता है इस पूरे मसले का। एएसआई के सर्वे का भी जिक्र सर बार बार होता है, जैन साहब देखिए एक सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में सच्चाई सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते, और जब सच्चाई सामने आने लगती है तो एक तथाकथित सेकुलरवाद और मुस्लिमवाद सामने आ जाता है। योगी जी ने
कोई नई बात नहीं कही, बहुत स्पष्ट सही बात कही है, जो सच्चाई तो बयान कर दी। सच्चाई जान के हर आदमी को मिर्ची लगती है, एक नहीं सारी किताबों में, सारे इतिहास में, गजट में, और जितनी पुस्तकें धार्मिक पुस्तकें हैं, प्लस जो ऐसा ही रिपोर्ट आई जो आप दिखा रहे हैं सब है टीवी पर जी, सब में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वहां पर मंदिर थी। एक मंदिर होते हुए अगर आप जबरदस्ती घुसकर उस पर जबरदस्ती के लिए कब्जा करके और नमाज पढ़ने लगे हैं, तो वो कभी भी मस्जिद नहीं हो पाएगी। और मैं बतला दूं कि इस देश में परिवर्तन क्यों चल रहा है। आज मोदी जी और योगी जी ऐसे लोगों को जनता इसीलिए पूछ रही है, वो परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं एक ऐसी क्रांति हो कि हिंदुओं को उनका सम्मान वापस मिले, वो सम्मान जो कि अंग्रेज में और मुसलमानों ने बितर कर दिया था। हजारों मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर तोड़े गए, अब समय आ गया, हिंदू जनता जाग चुकी है। एक एक मंदिर करकर हम लोग पूरी तैयारी है, खाली काशी मथुरा तक सीमित नहीं है। एक एक मंदिर जो तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, एक एक को हमें वापस भेजना है, उसकी तैयारी चल रही है, कार्य चल रहा है, और एक के बाद एक केस हम लोग फाइल कर रहे हैं। पर कितना है जी, ये लोग सबको पढ़ाते हैं, हम केवल कानून से काम करते हैं, और जब कानून से काम करते हैं तब भी बेचैनी शुरू हो जाती है। सीधी सी बात है कि जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो मस्जिदें हटा दी जाए और हिंदुओं को हिंदुओं का सम्मान, गरिमा और स्मिता मिलनी चाहिए। और वो दिन अब दूर नहीं है कि आज जनता अभी कुछ मंदिरों की लड़ाई लड़ रही है, बहुत तेजी से पूरे देश में हजारों मंदिरों के खिलाफ केस दाखिल होने वाले हैं। और इस देश में वो जो इतिहास का दंश है, जो इतिहास का पाप है, और वो पाप जो हिंदू जनता को चिढ़ा रहा है, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचा रहा है, उसको रहने नहीं दिया जाएगा, उनको उखाड़ फेंकना होगा, और नहीं होगा तो पार्लियामेंट नया कानून बनाएगी जिससे कि वो सारे पंडित थे वो हिंदुओं को वापस। इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए काशी में ऐसा ही रिपोर्ट का आने के पहले ऐसा ही जांच हो, इसका पुरजोर विरोध किया गया, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक आए और कहा था बिल्कुल रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए, इसलिए कुछ जानते सच्चाई सामने। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, यही बात ऐसा ही कि यहाँ हुई, यही बात बहुत सारा इंदौर जो इंदौर है वहां पे हुआ, कमाल खबर बता दी और संबंधित निकला। यहाँ भी एक नहीं असंख्य सैकड़ों चिन्ह निकले हैं जो साबित कर रहे हैं कि मंदिर थी। तो भाई अगर मंदिर तोड़कर आप मस्जिद बनाते हो तो कभी भी वो मस्जिद नहीं होती। हिंदू ला बड़ा साफ है, अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि एक बार मंदिर हो गई तो सदियों तक वो मंदिर चलेगी और मंदिर ही रहेगी। तोड़ देने से या कर देने से मंदिर का स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता। और जो मुस्लिम लोग नहीं जानते हुआ अयोध्या केस पढ़ लें, पैरा 116 आप सुप्रीम कोर्ट जज में पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर का अस्तित्व उसके टूटने से समाप्त नहीं होता है। इसलिए हमारा सूट आज नहीं तो कल टिकरी होगा और भव्य भगवान भोलेनाथ का मंदिर बनेगा, काशी में बनेगा, मथुरा में बनेगा, अयोध्या की तरफ बनेगा। और यही नहीं, जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है एक एक करके सारी जगह खाली होने जा रही है। समय है मुस्लिम लोग जाग जाओ और भूल जाओ कि अब इस्लामिक शासन दोबारा आएगा, या आप हमको रोक पाओगे कि हम ये चीजें न मांगे। और अगर आप चाहते हो हल्ला करके और सांप्रदायिकता के नाम पर बेवजह की झूठी बातें करते हो, भाई जा रहा ये वो, तो प्रचार में कुछ नहीं होता। जब कुछ कीजिए साहब इससे सद्भावना नष्ट होगी। अरे हमें ऐसी सद्भावना नहीं चाहिए जाके हमारी मंदिर के ऊपर आप खड़े होकर नमाज पढ़े और हमारी अस्मिता को नुकसान पहुंचा रहे और दिल दिल घुटते रहे कि मेरी मंदिर पर आपने कब्जा कर रखा है, हमारे दिल में दंश है और संविधान के तहत हमारा अधिकार लिया जा रहा है। उस अधिकार को पाने का अनुच्छेद 25 का अधिकार, अनुच्छेद 21 का अधिकार हमको पाने का गए, तो सारी चीजें जो पूर्व काल में गुलामी के पहले हमसे ली गई थी उनको हम वापस लें, वरना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता। देश स्वतंत्र हो गया
तो इसका मतलब साफ है कि वो दंश भी जाने चाहिए जो दंश आपने गुलामी काल में दिए। मास कन्वर्जन हुआ सब बड़ी बहुत लंबा इतिहास है, मैं बहुत छोटे से बात कह रहा हूँ भाई। आपने मस्जिद बने, आपकी मस्जिद तो नहीं ले जा रहे हैं ना, हमने कभी कहा। अब तो सवाल ये जो मंदिर तोड़कर आपने बनाई है आप उसको भी छोड़ने तैयार नहीं है। यानी कोई आदमी मेरे घर में घुस आया, कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद कदम बोलोगे तो दंगा हो जाएगा। ये तो गुंडागर्दी हुई साफ साफ, और साफ साफ ये हुआ कि हम जो गुंडे आज बदमाशिया टेररिस्ट कर रहे हैं कि हम घर में घुस आए तो घर हमारा हो गया। तो भूल जाइए ये संवैधानिक शासन है, संवैधानिक इंडिया है, संविधान के तहत किसी व्यक्ति को मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती। और अब समय धीरे जा रहा है, जनता जाग रही, जनता को मालूम पड़ गया। देखिए अभी वक्फ एक्ट आया, वक्फ में संशोधन आया, केंद्र सरकार को बहुत दिन बाद ही मालूम पड़ा कि वक्फ ने किस ढंग से संपत्ति हिंदुओं को लूटी है और लूटते चले जा रहे हैं। तो जो लूट खसोट और इतनी संपत्तियों का मालिकाना हक और हिंदुओं का हक जो छीना जा रहा है वो तो सबको द्रवित कर गया है। हिमाचल प्रदेश में देखिए क्या हो रहा है, बीच रास्ते में आपने मस्जिद बना दी, ना आपकी जगह ना कोई सरकारी जगह मस्जिद बना दी। चाह देखिए बीच रास्ते मजार बन जाती है, बाद में वक्त क्लियर कर दिया जाता है, वो आपने वक्त दर्ज कर लिया बस हो गई। इसी तरह से आपने औरंगजेब के काल में जो काम किया था, अभी तो 1944 में आपने उसे वक्त क्लियर कर दिया। अरे वक्त का ला है, मोहम्मद ला है, किस्मत मिला तो वाकिफ। वक्त वही कर सकता है जिसकी संपत्ति हो, जिसकी संपत्ति नहीं है वो वक्त नहीं कर सकता। कोई वक्फ दीन नहीं है, कोई वक्फ नामा नहीं है जी, सिवाय कि नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज घर में घुस के आपके नमाज पढ़ से कोई मस्जिद हो जाएगी। ठीक है, आप तो एयरपोर्ट पे जाकर नमाज पढ़ लेते हैं, सड़क पर पढ़ लेते हैं, उससे मस्जिद नहीं तो क्लेम है। ठीक है, और वक्त रहते हैं मुसलमानों को जाग जाना चाहिए, अभी भी जाग जाना चाहिए कि जो अवैध कब्जे इनको हटा ले, सब सम्मान चले जाए। अगर आज औरंगजेब की लिगेसी इस देश में चलाएंगे तो हिंदू जनता इसको बर्दाश्त करने नहीं जा रही है, हिंदू जा चुका है और आगे बढ़ता रहेगा जी। ठीक है जैन साहब, आप बने रहिए, लौटूंगा आपके पास। दीपांकर सोनकर जी, माफ कीजिएगा, दीपक सोनकर जी, आपने अली आरिफ साहब को भी सुना, वो मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उस बयान पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए पहले तो मैं आप सभी साथियों को जय श्री राम, जय बाबा विश्वनाथ। देखिए हमेशा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार की बात हमारे अली आरिफ साहब ने कहा सामाजिक सद्भावना का, उस सद्भावना को ध्यान में रखते हुए, संत परंपरा को ध्यान में रखते हुए और समाज के हर एक हितकारी निर्णय को करने का काम किया है। और आज वो ज्ञानवापी मंदिर कोई ऐसा ही मंदिर नहीं कहा जा रहा है, मुझे लगता है जैन साहब ने पूरे विश्लेषण के साथ, पूरे तत्वों के साथ, पूरे सूत्रों के साथ उस बात को रखा और SIT की जांच के बाद और जो साक्ष्य वहां मिल रहे हैं बाबा के होने के, चाहे वो त्रिशूल की बात हो, चाहे वो शिवलिंग की बात हो, चाहे वहां बनी हुई चित्रों की बात हो, उस साक्ष्य के आधार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह माना है और उत्तर प्रदेश की जनता भी इस बात को स्वीकार करती है। वो ज्ञान बापी मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। वो मंदिर है जिसमें पूजा अर्चना होती थी, वो मंदिर है जिसमें माता की पूजा होती थी, वो मंदिर है जिसमें हिंदू समाज के लोग, हिंदू माताएं बहनें उसमें पूजा करने जाती थी। जो विक्रांताओं के लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, आज उसी मंदिरों पर दोबारा से, अब जैसे बहुत सरल उदाहरण हमारे जैन साहब ने दिया था, मैं आरिफ भाई पर भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसी के मकान को तोड़कर उस पर रहना शुरू कर देगा तो वो मकान उसका नहीं हो जाता। जब मकान जिस पूर्वज की तरह पर होगा, उसके चरित्र होंगे, उसके दान होंगे, उसके पद चिन्ह होंगे, आज वो पद चिन्ह है, न्यायालय उस बात को मानता है, समाज उस बात को मानता है, पद चिन्ह उस बात को मानते हैं, चिन्ह उस बात को मानते हैं, आज देश भी उसी बात को स्वीकार कर रहा है, इसमें कहीं कोई कुतराई नहीं है। और आज पूरा प्रदेश, पूरा सनातन परंपरा, पूरे सनातन धर्म इस बात का स्वागत कर रहा है। ज्ञानवापी एक अच्छा मंदिर है जो बाबा विश्वनाथ का है और उस बाबा विश्वनाथ के दर पर जो बनारस के अंदर पूरे विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर के खड़ा है, जो पूरा कार्य क्षेत्र है, जो पूरा परिक्षेत्र है,
वो बाबा की नगरी का है। इस बाबा की नगरी को तोड़ने का काम जिस औरंगजेब ने किया, जिसने लाखों मंदिरों को तोड़ने का काम किया, जिसने लाखों मूर्तियां तोड़ने का काम किया, आज उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार जो परंपरागत पौराणिक ऐतिहासिक संस्कृति को दोबारा लाने का काम किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर। ठीक है अली आरिफ साहब, विष्णु शंकर माफ कीजिएगा हरी शंकर जैन साहब ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, एएसआई के सर्वे का भी जिक्र किया और भी वो तथ्यों के आधार पर बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये है कि उन्होंने एक जो बात कही कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद कहीं पर बनाई गई है तो वो मस्जिद पाक नहीं हो सकती है, उस पर आपकी जो कामना है वो ईश्वर से अल्लाह से वो नहीं मुकम्मल हो सकती है, तो इसका फैसला तो अच्छा होगा अगर आप भी इसमें सहयोग करें कि ये तय हो जाए कि ये मंदिर है या मस्जिद है, क्या है ये, अगर साफ होता है तो उसमें किसी को आपत्ति कैसी फिर? अरे साहब हमारे सहयोग करने का ही नतीजा है जी, जो अभी आपने महोदय ने इतना लंबा लेक्चर दिया और उन्होंने एक बार बहुत सही कही कि जनता जाग चुकी है, परिवर्तन चाहती है। सही कहा उन्होंने, 2024 का अभी जो इलेक्शन गया है उसमें वाकई जनता ने ये दिखा दिया कि वो परिवर्तन चाहती है। अयोध्या जैसी सीट जिसके बुनियाद पर ये दो से और फुल मेजोरिटी पहुंचे हैं, वहां से ये अपनी सीट हारे हैं, ये जनता ने समझ लिया है बहुत कायदे से। मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा उठा करके वोटों को जो पोलराइज किया जा रहा है, इसको सियासत का मरकज और सेंटर बना दिया गया है, उससे जनता बोल चुकी है। जनता फैक्ट पर फैक्ट जान रही है और जानना चाहती है और जानेगी। जहां तक मामला इसका है, ये बहुत सी बातें कही महोदय ने कि अभी खाली वो काशी वो मसला ही नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है। यकीन जानिए भाई, आपके चैनल से मैं कहना चाहूंगा कि जरा सा भी इनको देश से मोहब्बत और लगाव नहीं है, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। इस देश को जिस तरफ ये ले जाना चाह रहे हैं, जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं बंद गली में, वहां से अगर आप आगे देखेंगे तो हमारा इंडिविजुअल सबका इंजीनियर सबका इंटेलिजेंसिया किसको किसको नहीं है, ये आप मत तय करिए। आप बोलेंगे किसको नहीं है, आप अपने विधान को खत्म करेंगे, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बोले तो मैं बोला, इसकी जनता आप इतनी देर बोले मैं बोला, भाई साहब इनको चुप करिए, आप मत तय करिए, ये आप साहब इनको चुप करिए, ये आप इतनी देर ये बोले हैं, गलत मत बोलिए, यहाँ बैठ करके झूठ मत फैलाइए। बस यही होता है, सच्चाई को जब सुनते नहीं है तो डिबेट छोड़ करके भागते हैं, जब सच्चाई कड़वी लगती है तो डिबेट छोड़ करके भाग जाते हैं, यही परंपरा है, यही समझ। ठीक है, पूरी बात सुन लेते हैं एक बार दीपक जी, पूरी बात सुन लेते हैं अली आरिफ साहब की क्या कह रहे हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। अली आरिफ साहब, ठीक है आरिफ साहब बोलिए, अली आरिफ जी, अली आरिफ साहब, चलिए आरिफ साहब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका सही नहीं है। अपना पक्ष आप रख रहे हैं, अपनी बात रखने आए हैं पैनल पर, तो पूरी बात रखकर ही जाना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अगर बोल रहे हैं सामने वाले के खिलाफ तो सुनने की क्षमता भी उतनी ही हो। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात थी कि अली आरिफ साहब को जाना चाहिए था, बल्कि उन्हें अपनी बात को रखना चाहिए था, लगातार उनको हम मौका भी दे रहे हैं, लेकिन बीच में ही अपनी बात को अधूरी छोड़कर जाना ये सही नहीं है और अपना पक्ष भी वो मजबूती के साथ नहीं रख पाए हैं। ऐसे मैं हरिशंकर जी के पास अब जाना चाह रहा हूं, दीपक जी आऊंगा आपके पास, गीता बाबा आपके पास भी मैं आऊंगा। हरिशंकर जी, बात बार बार जब तथ्यों की हो या आस्था की हो तो फिर सवाल अपने अपने खड़े हो जाते हैं, दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष की बात कही जाती है, लेकिन बीच में से ऐसे अगर चर्चा छोड़कर जाएं तो पक्ष कैसे मजबूत हो पाए? हरिशंकर जी देखिए, क्या है वो रहे या ना रहे, भाग ले या ना ले, जो कानून तो अपनी जगह रहेगा। और कानून की बात ये है, सिविल लॉ ये है कि अगर कोई एक पक्ष केस दाखिल करता है और अपोजिट पार्टी नहीं भी है तो एक पक्ष ही भी उतरना के साबित करना पड़ता है। तो हमारी तो जिम्मेदारी अपना केस साबित करने की जी, हम तो करेंगे। अगर वो नहीं लड़ना चाहते या उनका बस कमजोर है, वो नहीं रुकना चाहते तो उनकी इच्छा है। या जब ये होता है जरा सी बात
तो तुरंत कहना शुरू कर देते हैं लोग कि साहब सांप्रदायिकता फैल रही है, देश टूट जाएगा। अरे भाई मेरे मुसलमान भाइयों, अब देश तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है, धमकाइए मत। अब कोई जिन्ना इस देश से पैदा नहीं होने पाएगा, कुछ लोग जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम नहीं दे रहा हूं, पर भूल जाइए जिन्ना इस देश में दफन हो चुके हैं, अब कोई जिन्ना नहीं बन पाएगा और ना इस देश को तोड़ने को हिम्मत रख पाएगी। तीसरी बात, आप लोग जिस स्थिति जा रही है तो हमारा सपना था, आज का नहीं। मैं बहुत ही आज 50 साल से लड़ रहा हूं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आज देश की जनता का स्वभाव और जनता की मांग आज उसी ओर बढ़ रही है, और जितनी जाति आप कर रहे हो और जितनी देर कर रहे हो धार्मिक स्थानों को छोड़ने में, जनता के मन में उतना ही उबाल आ रहा है। एक एक दिन आप देर कर रहे हो। अगर मुसलमान चाहते हैं कि सद्भाव बना रहे और शांति से रहे, उनको चाहिए कि जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं उन सारी मस्जिदों को खाली कर दें, वरना जो समय आने वाला है, मैं साफ शब्द बताना चाह रहा हूं, कोई धमकी नहीं है, कानून अपना काम करेगा। हम कानून की बात कर रहे हैं, एक एक मंदिर वापस आएगी, वो रुक नहीं पाएगा। काशी मथुरा गौशाला कुतुब मीनार ताजमहल लाइन लगी हुई है, मालदा में अदीना मस्जिद वहां भी पूरे के पूरे एक चीजें पड़ी हुई है। मैं कम से कम 30-22 मंदिरों को खुद देख के आया हूँ, सामने दिख रहा है कि मंदिर तोड़कर बनेगी। तो भाई एक चीज बताइए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा माफ कीजिएगा जी, कि संविधान आने के पहले जो ग्रामीण काल में जो अकट घटनाएं हुई है, जो अमानवीय करते हुए हैं, उनको आज संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी हम नहीं हटा पाए, ये हमारी कमजोरी थी। परंतु कमजोरी कभी ना कभी समाप्त होती है, अब समय आ गया है कि गुलामी काल के जितने अवशेष और जो काले चिन्ह हैं उनको मिटाया जाए, और जो लोग इस देश में रह के आक्रांताओं का, बाबर का, औरंगजेब का, अलाउद्दीन खिलजी का, कुतुबुद्दीन का, बलबन का और कुतुबुद्दीन ऐबक का सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस देश के कभी नहीं हो सकते, उनको भूल जाना चाहिए। अब उस देश में रह के आक्रांताओं को बाहर से आए थे, उस देश के नहीं थे। आप लोग जो मुसलमान आज को इस धरती के हो, आपको हमारे साथ होना चाहिए। आपने पूर्वज आपके अधिकांश मुस्लिम बनाए गए जो आज पहले हिंदू थे, अगर पर अगर आप साथ देते हो गलतियों का, जातियों का, दुर्भावनाओं का, अमानवीयताओं का, तो साफ बात है कि ऐसे समय में, ऐसे साथ में कभी भी भाईचारा नहीं चल सकता और ना सामुदायिक सद्भाव रह सकता है। सद्भावना के लिए जरूरी है कि सब लोग मिल बैठ कर ईमानदारी से देखें कि भाई जो जो मंदिर कब्जा की गई थी और उसको छोड़ दीजिए या भारत सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि एक ट्रिब्यूनल बना दे और ट्रिब्यूनल में एक एक मंदिरों का फैसला हो कि कौन मंदिर तोड़ तोड़ के बनाए। पर जो मंदिर साबित हो जाए कि तोड़ का बनाई गई है, उन मंदिरों पर काबिज रहने का आपका अधिकार नहीं है। और इसमें काशी मथुरा काशी मथुरा ये तो प्रोमिनेंट है, जो सामने दिख रहा है, और दोनों का मुकदमा चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि न्यायिक प्रक्रिया से बहुत जल्दी हम दोनों को पाने जा रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मोदी जी योगी जी के समय में ही दोनों का पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी और मंदिर बनेगा। मेरी बात लिख लीजिए, होगा। और जो योगी जी ने कहा है बहुत सोच विचार के कहा है जी, एक सत्य कहा है, उनकी तारीफ है, उनके सत्य कहने का जज्बा था। ऐसे मुख्यमंत्री सत्य कहने की ताकत लोगों नहीं होती है, एक सच्चाई बताई है। आज देश की और प्रदेश की जनता उनकी ऋण है, उनको धन्यवाद दे रही है कि आपने मान रखा है, सम्मान रखा है देश की जनता, प्रदेश की जनता का। एक सच्चाई ऐतिहासिक तथ्य को आपने बताया है, एक तथ्य को भी जो सही बात है। अब मंदिर को आप मस्जिद कह रहे हो,
जी ऐसे मान लिया जाए, और जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट को आप तैयार नहीं होते, बात करने भाग लेते हो, जरा सा धमकाना शुरू कर देते हो कि दंगा हो जाएगा। तो भाई हिंदू जनता अचूड़ी पहले नहीं बैठेगी कि आपने कह दिया दंगा हो जाएगा हम चुप हो जाएंगे, वो हम हमारे घर में बैठे रहेंगे। जमाना क्या, जमाना बहुत आगे जा चुका है, और अभी कह रहे थे कि हाँ सीधे 240 आ रही, अरे 240 नहीं अब 340 आ जाएगी, चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ा कर देखिए क्या होता है। इलेक्शन में अभी लोगों के क्या होते हैं, इलेक्शन की बात होती है, हिंदू जनता की भावना अलग है, और मोदी जी के आने का मतलब ही था हिंदू जनता करवट लेना चाहती थी, ठीक है, और यही चल रहा है, अभी होगा। हम लोग अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं, और मैं सबसे कहना चाहता हूँ शांति बनाए रखिए, और एक मंदिर को जो जो तोड़ के मस्जिदें बनाई गई है एकों को वापस लेने के लिए बड़े शांति से दिमाग लड़ा कर कानूनी ढंग से लीजिए, और ज्यादा नहीं 2-5 साल के अंदर सारी मंदिरें मेरी वापस बहुत जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, गीतांबा माँ अली आरिफ साहब तो नहीं है, वो चले गए छोड़कर, हमें लगता है कि पक्ष कैसे मजबूत हो पाएगा अगर हम बीच में चर्चा को छोड़ेंगे तो। अरे झूठ का कोई पक्ष ही नहीं होता है ना, ये पूरा झूठ पर चलते हैं। हमारे यहाँ गांव में एक कहावत कही गई कि झूठा सोना झूठा खाना झूठा चबना झूठ चबेना, ये पूरे झूठ पर ही निर्भर है ये, इनके पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है, झूठों पर है बड़बोट कर किए रहते हैं, ये कहाँ टिकेंगे, नहीं टिकेंगे ना। सच्चाई जब सामने आती है तो ऐसे ही ये लोग भागते रहते हैं, और बार बार संविधान और बार बार फला खतरा ये खतरा वो खतरा करते रहते हैं, तो इनकी बातों पर ध्यान तो देना नहीं है। और जैन साहब ने आज जो एक हम लोगों का मनोबल बढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने आज मन बढ़ाया कि 5 साल के अंदर सब अपना होगा, तो बहुत ही खुशी अंदर से मिली कि कम से कम हमारे धर्म के प्रति इतने आप जागरूक हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे हिंदू धर्म के लिए सनातन धर्म के लिए आप पिता पुत्र दोनों भगवती आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इनके पास न कोई सबूत है न कोई गवाह है, इनके पास सिर्फ जबान है और लाठी है, बस यही जबान लाठी चलते हैं, जब सरकार बुलडोजर चलाती है तो औकात में आ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, भला बुलडोजर से तो डरे, ये गेट पर बैठ करके बुलडोजर का नाम लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और ले दे करके हम एक चीज जानते हैं, ये कभी भी नहीं टिकेंगे, कभी भी नहीं, निश्चित। ठीक है दीपक जी, लगता है आपकी बात का बुरा मान गया अली आरिफ साहब, बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन आपका। देखिए मेरी बात का बुरा नहीं माने, वो सच्चाई का बुरा माने, वो सच्चाई जो है उस सच्चाई को गुमराह करना चाहते हैं, जो आज साक्ष्य है, जो देश की जनता जानती है, जो प्रदेश की जनता जानती है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसको दोबारा आज प्रदेश की जनता उसको स्वीकार कर रही है, वो सच्चाई को डिनाई करते हैं। और ये आज का विषय नहीं है, मैं पहला कोई चैनल मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें ये लोग जब भी कभी भी कोई सच्चाई को अगर इनसे कहने की बात करो, जब भी इनसे कोई जो ये झूठ बलाने का काम करते हैं उस पर इनसे सवाल मांगो, तब ये डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं, तब ये अपनी बात को रखने छोड़कर के ही चले जाते हैं। ये कोई आज का विषय नहीं है, लगातार यही चलता है राज। मगर मैं इस बात को जरूर कहूंगा, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से उस उत्तर प्रदेश की सनातन परंपरा और संतों को एक शक्ति मिली है, और हमारे मंदिरों को एक शक्ति मिली है, हमारे एक ब्राह्मण संत को शक्ति मिली है, उस पूरी शक्ति को देने का काम पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। और जो न्यायालय है वो न्यायालय पर हम लोग विश्वास करते हैं, उस न्यायालय के पर विश्वास करते हैं, कानून की व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, और निश्चित तौर पर जो साक्ष्य है वो निश्चित तौर पर ज्ञान वापी एक मंदिर है और वो मंदिर ही रहे। चलिए बहुत शुक्रिया आज की चर्चा के लिए, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, हरिशंकर जैन जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक जी आपका शुक्रिया, गीतांबा माँ आपका शुक्रिया, अली आरिफ साहब जुड़े थे, हालांकि पक्ष पूरा नहीं रखा, बीच में डिबेट छोड़कर चले गए, लेकिन